हेलो स्टूडेंट्स। तो सेकंड चैप्टर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टीनी, यानी कि छोटे छोटे। और ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है क्या होते हैं, जीव जंतु। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही स्मॉल हों, जिन्हें हम अपनी अनएडेड आई, नेकड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह। आपने देखा होगा, आप कई बार घर में रोटियां रह जाती हैं या फिर ब्रेड रह जाता है, तो रखे रखे उस पर क्या हो जाती है, फंगस लग जाती है। तो वो भी किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। या बहुत सारे डिजीज होती हैं, ठीक है, चेचक, स्मॉल पॉक्स, HIV, एंड जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी किन से फैलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के होते हैं, फ्रेंड भी और फॉय भी। फ्रेंड का मतलब होता है कि वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, अच्छे होते हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन, हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है किसी डेड प्लांट की या फिर डेड एनिमल की, तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो वहीं पड़ी रहती और लाशों के जो है ढेर लग जाते, जो डेड एनिमल्स हैं। लेकिन आप देखते हो, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डाई होता है तो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। उसके अलावा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो आप दही भी नहीं खा पाते। दूध का दही में बदलना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, ब्रेड का फूलना, जितने भी केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अल्कोहल का बनना, शराब का बनना, फर्मेंटेशन ऑफ जो ग्रेप से है वो बनती है। ठीक है, या इसके अलावा जो मेडिसिन होते हैं हमारी बहुत सारी, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही प्रिपेयर की जाती हैं। फॉय में यानी कि दुश्मन भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दुश्मन क्यों, क्योंकि वो बीमारियां फैलाते हैं। आपने बहुत सारी बीमारियां देखी होंगी जिसमें बहुत सारे वायरसेस वगैरह या अदर बैक्टीरिया वगैरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीमारियां फैलाने के लिए, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। आप देखते हो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो देख सकते हो आप लिविंग, बट उसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसको हम अपनी आई अलोन से नहीं देख सकते। सो देर आर द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच कैन नॉट सीन विद आईज अलोन, दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पूछ ले तो आपको लिखना है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल विद द हेल्प ऑफ नेकड आई या फिर आईज अलोन या अनएडेड आई। यानी कि अनएडेड आई का मतलब होता है अपनी आंखों पर बिना कोई माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए या बिना किसी मशीन के हमें उसको शो कर सी करना। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मोइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, यानी कि अगर ब्रेड है आप उसको रख दोगे तो नमी पकड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेस व्हाइट पैचेस, यानी कि उसके सरफेस पर क्या आ जाएंगे, धब्बे से आ जाएंगे ग्रे और व्हाइट कलर के। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर आप उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाए, बड़ी करके दिखाए, ठीक है, तो उसके सरफेस पर आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे जाएंगे। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, दीज टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकड आई, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और विच कैन नॉट बी सीन बाई अनएडेड आई, ठीक है ना, बिना किसी एड के, बिना किसी मशीन को यूज किए, बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किए हम देख नहीं सकते। तो दीज आर वेरी टीनी स्मॉल्स होते हैं। ठीक है, वाटर एंड सोयल्स आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स, जो वाटर होता है हमारा, पानी होता है, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, सोयल होगी उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हमारे हेल्प, सोयल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल भी होते हैं, वो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना आपने, मैन्यूर ऐड किया था, मैन्यूर क्या प्रोवाइड करता था, ह्यूमस प्रोवाइड करता था, और उसमें बहुत सारे क्या होते थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे जो सोयल की फर्टिलिटी को, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते थे। दो नॉट ऑल दो ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हालांकि
हालांकि पानी में और जो सोयल है उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बड़े भी होते हैं जिन्हें हम इजीली देख सकते हैं, तो वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। देखो मैंने जैसे बताया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगर हमें उनको देखना होगा या तो मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए या फिर क्या चाहिएगा, मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इतने छोटे होते हैं जिनकी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। और इनफैक्ट वायरस तो इतना छोटा होता है उसकी हम फोटो लेते हैं, उसको तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी या फिर जो आपका माइक्रोस्कोप उससे भी नहीं देख सकते, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोटो ली जाती है। ठीक है, सम ऑफ दीज सच एज द फंगस, फंगस आप देखते हो, ठीक है, घर में ब्रेड का टुकड़ा पड़ा है, रोटियां पड़ी हैं या फिर और कोई चीजें पड़ी है, उसमें फंगस लग जाती है, दैट ग्रो ऑन द ब्रेड कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको तो आप सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास लो उसे देख सकते हो। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप स्कोप आपने देखा होगा स्कूल में, जब स्कूल खुलेंगे तब देखना, माइक्रोस्कोप तो और भी छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, तो उनको तो माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती पड़ता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो माइक्रो का वर्ड ही, माइक्रो मतलब का जो माइक्रो मतलब वर्ड है बेटा, उसका मतलब ही होता है टीनी, वेरी स्मॉल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनके कैसे उसको कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के, कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप, कितने ग्रुप में बांट दिया गया है, चार ग्रुप में बांट दिया है, बोलो कितने ग्रुप में, चार। दीज ग्रुप आर कॉल्ड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी। अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन कौन से चार ग्रुप में बांट दिया गया है, तो आप कहोगे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगी। अब ये चार कैटेगरी में कैसे बांटे गए हैं, क्योंकि इनमें जो इनकी शेप अलग होती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपस में इनकी अलग होते हैं, तो डिस्कस करते हैं इनको। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, जो मलेरिया होती है वो प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है ना। वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड होगी, टीबी होगी, वो कैसे डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, याद रखनी चाहिए ये बात, आपको पूछ सकता है। टाइफाइड वगैरह और टीबी वगैरह तो बैक्टीरिया से होती हैं, लेकिन मलेरिया और डिजेंट्री वो किसी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ, तो दोनों की हैं, तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर उनकी क्लास क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की कैटेगरी में हर एक जो चार बताए थे आपको, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये चार चार बताए थे, उनमें दो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ठीक है ना, और उनकी शेप। बैक्टीरिया बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल का मतलब है जो ऐसे 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 कॉइल कर रखा हो, तो ये देखो स्पाइरल बैक्टीरिया है। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख ही नहीं सकते, तो फिर ये कैसे दिख रहे हैं, ये बेटा इनकी जो मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से हेल्प से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हजार गुना लाख गुना बड़ी तस्वीर ली गई है ये, ठीक है, ये एज इट इज, इनके अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो ऐसे नहीं दिखाई देंगे, बट ये किसकी हेल्प से देखे गए हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और माइक्रोस्कोप तो मैंने बताया था उसको, तो आप छोटी चीज को जूम कर सकते हो हजार गुना लाख गुना, ठीक है ना, तो तब देखेगा ये हमारा। सेकेंड है बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में रोड शेप्ड बैक्टीरिया, रोड जैसी शेप है, तो ये वाले रोड शेप बैक्टीरिया ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। तो दो बताए हैं बैक्टीरिया में, पहला स्पाइरल बैक्टीरिया और दूसरा रोड शेप बैक्टीरिया। फिर आता है अलगी, अलगी में पहला एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनस, तो क्लामाइडोमोनस की शेप ऐसी होती है, ठीक है। और स्पिरोग्यारा ये आपका शेप ऐसी होती है, तो इसमें दो एग्जाम्पल याद कर रख लो। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ देखो अमीबा, अमीबा तो वेरी फेमस है, इसकी फोटो भी बनाती आती है पेपर में, तो ऐसे 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 करके इसको फोटो बना दोगे आप, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे।
जब सेल पढ़ेंगे हम, सेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसकी शेप याद रखना है, ऐसे 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 करके, ठीक है। फ्रेश वाटर में रहता है जनरली अमीबा। तो अमीबा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, किस कैटेगरी में आता है? प्रोटोजोआ में। और दूसरा कौन है इसमें एग्जाम्पल प्रोटोजोआ में? पैरामीशियम, फंगी। जो ब्रेड पर, जो देखो ब्रेड पर ब्लैक कलर के, जो ब्लैक कलर के मैंने बताया था पैचेज आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं उस पर? वो फंगस वगैरह, यानी इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। तो आज से याद रखना है कि ब्रेड पर जो फंगस आ जाती है ब्लैक कलर की, उसका नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड। या फिर फंगी की कैटेगरी में दूसरा एग्जाम्पल कौन है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से। और लास्ट एग्जाम्पल इसमें एस्पेरगिलस, ठीक है, ये याद कर लोगे आप। फिर बात आती है वायरसेस की। देखो वायरस इन चारों कैटेगरी से बिल्कुल अलग है। चार कैटेगरी पढ़ी है ना अभी, कौन सी? बैक्टीरिया, अल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगी। इन चारों से अलग है। अलग क्यों है? वो ऊपर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हैं, बट उनकी खास बात होती है कि वो किसी लिविंग बॉडी से बाहर भी जीवित रहते हैं और किसी लिविंग बॉडी के अंदर भी जीवित रहते हैं जनरली, ठीक है। यानी कि वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकते हैं। बट वायरस एक ऐसी चीज है, अगर किसी की बॉडी में एंटर करता है तो वो लिविंग में माना जाता है, बट बाहर अगर पड़ा है बिना किसी सेल के तो वो किसमें कैटेगराइज किया जाता है? नॉन लिविंग। तो वायरस एक ऐसी चीज है बेटा जी, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरीज में आता है, ठीक है। बॉडी के अंदर है किसी के, किसी किस बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट हो तो लिविंग की तरह एक्ट करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, खाना भी खाता है। बट बॉडी से बाहर अगर है तो वो ना तो रिप्रोडक्शन करता है, ना ही वो क्या करता है, फूड वगैरह खाता है। तो वायरस ऐसी चीज है। सो वायरस क्या है? वायरस आर द आल्सो माइक्रोस्कोप, जैसे कोरोना वायरस है वो भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है। दे हावे रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द सेल, जैसे मैंने बताया था वो रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म जनरेट करना, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, वो हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा, हम उसमें कंप्लीटली पढ़ेंगे इसको। फिलहाल क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना। तो वायरस किसी सेल के अंदर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है, ठीक है, विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स। अब ये वायरस किसी के अंदर भी एंटर कर सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी एंटर कर सकता है, प्लांट के अंदर भी एंटर कर सकता है, एनिमल के अंदर भी एंटर कर सकता है, और वहां पर क्या करेगा? अब खाना खाएगा, फूड लेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा, और अपनी जो तादाद है, अपने नंबर है, उसको क्या कर लेगा? मल्टीप्लाई, यानी कि बढ़ा लेगा। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, कॉमन जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड सुना होगा आपने, सर्दी, खांसी, जुमा, कोवायर, जुकाम, वो वायरस से होता है। बारिश के मौसम में वायरस ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि वो इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस पर या फिर दूसरी जगह। अच्छा बारिश में क्यों ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये? क्योंकि बारिश के मौसम में छोटी 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 ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, पानी की बूंदे प्रेजेंट होती हैं हमारे आसपास है, और ये इन्हीं का सहारा लेते हैं, उन्हीं ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर किसी ने खांस दिया, छींक दिया, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क लगाओ, ठीक है ना, ताकि जो छींक रहा है तो उसकी फाइन छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट कहाँ पर प्रेजेंट ना हो, एयर में। और अगर वो एयर में प्रेजेंट है और हम सांस ले रहे हैं बिना मास्क के, तो हमारे अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरस जाएगा अंदर, खाना खाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा, और जो हमारी सेल है उनको वीक कर देगा, उससे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा एंड वी मे फेल इल, हम बीमार फैल जाएंगे, ठीक है। तो वायरस से और भी कई सारी चीजें होती हैं, हमारी बॉडी का खुद का मैकेनिज्म होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। कोई भी चीज हमारी बॉडी में एंटर करती है, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी एंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करती है। तो उस लड़ने की कोशिश में सबसे पहले हमें जुकाम होता है। जुकाम क्यों होता है? जुकाम होने का रीजन होता है कि हमारे जुकाम होने से हमारी बॉडी में एक लिक्विड क्रिएट होता है, ठीक है ना, जैसे नाक बहती है या फिर गला हमारा, गले में दिक्कत होती है, तो लिक्विड क्या करता है? वो लिक्विड उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डुबा के मारने की कोशिश करता है, ठीक है। एक तो मैकेनिज्म ये होता है हमारी बॉडी का। दूसरा होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बुखार हो गया, फीवर हो गया। वो क्यों होता है? कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर, अब बॉडी अपने आप बढ़ाती है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर चाहती है कि मैं जो अंदर वायरस गए हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर दूं हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक
है ना, और भी कई सारी चीजें होती हैं, फाइट करते हैं, तो इस वजह से हमें सर्दी में खांसी बुखार ये सब चीजें हो सकती हैं, वो सब वायरस को मारने के लिए है, ठीक है, बॉडी का खुद का मैकेनिज्म होता है वो। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा फ्लू सुना होगा आपने, ठीक है, कई बार सभी कई सारे लोगों की जो आंखें हैं वो क्या हो जाती हैं, उनमें पेन होने लगता है या फिर उसमें कोई दिक्कत आती है, तो वो भी वायरस की हेल्प से फैलता है। ज्यादातर खांसी जुकाम वायरस की हेल्प से होते हैं। सीरियस डिजीज जैसे पोलियो, पोलियो पहले होता था बहुत ज्यादा, हालांकि अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है देश में से, ठीक है ना। पहले तो पोलियो के बहुत ज्यादा केस होते थे, पोलियो के केस में जो पोलियो से ग्रसित बच्चे होते थे, पोलियो से उसमें क्या होता था, उनकी जो कुछ बॉडी के पार्ट वो टेढ़े मेढ़े होते थे, सही से नहीं होते थे। चिकन पॉक्स ये सब वायरस की वजह से थे, हालांकि वायरस की वजह से जो पोलियो और चिकन पॉक्स होता है धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। वायरस की शेप, ये कोरोना वायरस की शेप है, ठीक है, सॉरी ये कॉमन कोल्ड की फेस है, शेप है, जो कॉमन कोल्ड जुकाम सर्दी खांसी वगैरह फैलाता है, और ये वाली शेप किसकी है, कोरोना वायरस की है। आपने देखा होगा टीवी पर बहुत सारी, बहुत बार ऐसे ही शेप आपको दिखाते हैं, तो ये जो शेप होती है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते, इसमें इसमें तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उससे नहीं देख सकते, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है, उससे फोटो लेते हैं। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेजम लिव, अब माइक्रो ऑर्गेजम रहते कहाँ है हमारे आसपास है? सो माइक्रो ऑर्गेजम में भी सिंगल सेल्ड है, हम जैसे सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने बताया था सेल वैसे होता क्या है, सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सेल से फिर क्या बनते हैं, सेल से हमारा टिश्यूज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर हमारा ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिजम्स पूरा ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है सेल्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली जैसे अमीबा वगैरह बैक्टीरिया वगैरह इसके ऐसे होते हैं सिंगल सेल्ड, एक ही सेल होती है उसमें, बट जैसे ह्यूमन होते हैं उसमें तो मिलियन ट्रिलियन सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सम सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम अल्गी और प्रोटोजोआ कैसे हो सकते हैं, मल्टी सेलर हो सकते हैं, सच एज अल्गी एंड फंगी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ये खास बात होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी टाइप के एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ठंडी में, बिल्कुल टेम्परेचर माइनस में पड़ा है वहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं, और गर्म पानी के झरनों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ द एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, तो डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, आंत में प्रेजेंट होते हैं, और वो अच्छे होते हैं, ठीक है ना। दही जो खाते हो आप और बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हो, लैक्टोबैसिली होती है वो पीते हो आप, तो उससे डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है हमारा, तो वो हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, तो उससे खाना जल्दी पचता है, आप स्वस्थ रहते हो, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, पैदा होते हैं, और कुछ फ्री भी एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन व्हाइल द फंगी एंड बैक्टीरिया कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे आप कॉलोनी में रहते हो ना, तो अमीबा तो फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट कर सकता है और अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बट फंगी और बैक्टीरिया कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कॉलोनीज में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या रिश्ता है, तो मैंने जैसे बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, गुड भी और बैड भी। जो गुड है वो तुम्हारे क्या है, दोस्त है, ठीक है ना, उनसे तो उनको देखकर तो बड़ा आप खुशी खुशी रहते हो, और जो गुड नहीं है, बैड है, वो दुश्मन है हमारे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं, आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो अभी जो स्थिति फैली हुई है वो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैड वायरस की वजह से ही फैली हुई है कि आप बहुत सारी चीजों से सफर करें। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ, some of them are the beneficial in many ways where some are harmful and cause disease. friendly microorganism, friendly जो आपके साथ दोस्त हैं वो क्या है, microorganism are used for various purposes, बहुत सारे काम के लिए हम use कर सकते हैं। they are used in preparation of curd, देखो curd दूध का दही में बदलना microorganism की वजह से ही helpful possible हो सकता है, bread का बनना, टेस्टी केक खाते हो आप, पेस्ट्री खाते हो, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही पॉसिबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेज, सालों से क्या बनाते आ रहे हम, दारू, ठीक है ना, शराब, वो किससे बनती है, फर्मेंटेशन ऑफ
ग्रेप्स, ग्रेप्स को सड़ा कर उसमें से जो भी सुक्रोज वगैरह है या फिर जो भी शुगर है उसको, उसमें से क्या निकलते हैं हम, शराब निकलते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। जैसे हमने बताया था हमारा इन्वायरमेंट जो है आसपास का एरिया उसको क्लीन करने के लिए काम आता है, कोई भी डेड प्लांट, डेड ऑर्गेनिज्म या फिर हम जो वेस्ट है उसको डालकर आते हैं तो वो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं और वापस किस में ला देते हैं, मिट्टी में। उससे सोयल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जिसके जैसे काउ डंग वगैरह या फिर खुद खुद कोई एनिमल अगर डेड होता है उड़ाने के बाद, फीसिस एटसेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड अनस्टेबल सब्सटेंस, यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा था ना, सोइल की फर्टिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड कैसे बनती है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रोइजम्स है। अगर आप पावरफुल माइक्रो, देखो कर्ड को, दही को आप बड़े चाव से खाते हो तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है ना, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो वहां पर मिलियंस ट्रिलियंस ऐसे 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 करते आपको माइक्रोइजम दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, सो कर्ड कंटेन द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज, उसमें से कौन सा होता है पूछा जा सकता है कि कर्ड में बताओ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम क्या है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। एक नंबर में क्वेश्चन पूछूंगा मैं फिर आपसे कि बता तो कर्ड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो तू बताएगा बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है। सो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। तो देखो आपने देखा होगा कई बार मम्मी जब दही बनाती है, दही जमाती है, तो क्या करती है मम्मी, दूध लेती है, दूध में थोड़ा सा क्या मिलाती है, दो चार ड्रॉप लस्सी की डालती है या फिर कर्ड के डालती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लस्सी या कर्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये लैक्टो जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालने से फिर वहां पर क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और अपना नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे जैसे उनके नंबर बढ़ेंगे सारा दूध किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कर्ड में। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, मल्टीप्लाइज का मतलब अपना नंबर बढ़ाना, एंड कन्वर्ट इट इन टू कर्ड। The bacteria are also involved in making cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis, and bhatura is curd. तो आप छोले भटूरे खाते हो बड़े चाव से, तो दही का सेवन उसके साथ करते हो। ठीक है जी, ईस्ट, ये यीस्ट नहीं है, ईस्ट से वाई चुप है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब जैसे जो पेस्ट्री होती है, केक होता है, ब्रेड होता है, उसमें माइक्रोइजम अगर प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन से क्या करते हैं, सीओ टू छोड़ते हैं, और सीओ टू जब छोड़ते हैं तो केक कैसा बन जाता है, फ्लफ, केक कैसा बन जाता है हमारा, स्पंजी, सॉफ्ट बन जाता है। सो बबल ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, दिस इज द बेसिक यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज एंड केक सॉफ्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रेड पेस्ट्रीज और सॉफ्ट को, ब्रेड सॉरी ब्रेड पेस्ट्रीज और केक को सॉफ्ट बनाने के लिए माइक्रोइज्म कैसे हेल्पफुल है, तो उसमें लिखना है ईस्ट क्या करती है, ईस्ट जो ब्रेड पेस्ट्रीज वगैरह केक वगैरह प्रेजेंट होती हैं, सो दीज ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड बबल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर देंगे, वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे उसको, जब भी गैस निकलती है तो वो फूल जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से वो कैसा बन जाएगा, सॉफ्ट। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे कमर्शियल यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जैसे मैंने बताया था अल्कोहल बनाने के काम आती है, शराब वाइन वाइन बनाने के काम आता है, एसिटिक एसिड विनेगर सिरका बोलते वो बनाने काम आता है। ईस्ट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ईस्ट यूज कर सकते हैं। For this purpose, yeast is grown on the natural sugar present in the grain like the barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. अब होता क्या है बेटा जी, इसमें बारले जो होता है, गेहूं, वीट, राइस या जो ऑरेंज है उसको पहले क्या करते हैं, क्रश करते हैं, फिर वहां पर उनके सरफेस पर ईस्ट उगाई जाती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म उगाए जाते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे जो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको किसमें बदलते हैं, वो अल्कोहल में। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by the yeast. The process of conversion of sugar into alcohol is known as the fermentation. Question आ सकता है, very important, what is the fermentation? तो क्या होता है, लिखोगे आप the process of conversion of sugar into alcohol,
इज नोन एज द फर्मेंटेशन से। थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो क्या करोगे, ईस्ट कैसे कैसे करते हैं ऐसे लिखोगे, ईस्ट इज ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ द नेचुरल शुगर, सरफेस ऑफ द बारले वीट राइस क्रस्ट थ्रेड जू फ्रूट जूस एंड इट विल क्रश इट विल कन्वर्ट द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन दीज इन टू एल्कोहल। सो हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर की थी, लुईस पाश्चर ने डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन 1857। और लुईस पाश्चर ही हैं जिसने किस क्या डिस्कवरी की थी, पॉस्चराइजेशन टेक्निक की। पॉस्चराइजेशन आपने देखो दूध की, दूध की आप पैकिंग खरीदने जाते हो तो उस पर लिखा होता है पॉस्चराइज दूध, पॉस्चराइज मिल्क। पॉस्चराइज मिल्क का मतलब होता है मिल्क को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि उसके अंदर के जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हो वो मर जाएं और दूध लंबे टाइम तक क्या रह सके, फ्रेश रह सके विदाउट स्पॉइलिंग, बिना खराब हुए। तो लुईस पाश्चर ने ये टेक्निक दी थी। तो यहाँ तक आप कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहें।